हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। इंडियन किचन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ राजमा की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। चावल रोटी के साथ सभी को खाना अच्छा लगता है। आज हम फटाफट से राजमा बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत यम्मी रेसिपी होती है। यहाँ पर मैंने राजमा लिए हैं 2 छोटी कटोरी के लगभग, जिनको रात भर मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। इसको अब इसका पानी निकाल कर अच्छे से साफ करेंगे। यहाँ देखिए, राजमा को मैंने अच्छे से धोकर रख लिया है। राजमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, जिसको मैंने गैस में चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर ली है। सबसे पहले हम इसमें पानी डाल देंगे जितनी ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले हम राजमा को बॉईल करेंगे। अब इसमें जो हमने धोकर राजमा रखे हुए हैं वो डाल देंगे। सभी राजमा को डाल देंगे। यहाँ पर राजमा मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें 2 तेज पत्ता डालेंगे। कुछ मसाले हम राजमा ही डालेंगे, क्योंकि ये जब बॉईल होंगे तो मसालों का टेस्ट उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हींग डाल देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी राई। अब इसको हम बंद कर देंगे और 5 से 6 सीटी आने तक इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर कुकर को हमने अच्छे से बंद कर दिया है। अब 5 से 6 सीटी आने तक हम इसका वेट करेंगे और फिर इसको बंद कर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के में हम प्याज टमाटर का यूज़ करेंगे, जिसको हम अच्छे से काट कर रख लेते हैं, ताकि जब राजमा बॉयल हो तो साथ साथ में ही तड़का तैयार कर देंगे। यहाँ पर तड़का लगाने के लिए मैंने हरी मिर्ची ली है, जिसको बारीक काट लिया है, प्याज लिया है और 4 टमाटर लिए हैं। चलो हम तड़का लगाना शुरू करते हैं। राजमा हमारे बॉईल हो चुके हैं, स्टीम निकल रही है, उसको बाद में खोलेंगे, पहले हम तड़के को तैयार कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने अलग से एक पैन चढ़ा दिया है गैस पर। अब इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप कौन सा भी यूज कर सकते हो, आप सरसों के तेल में भी बना सकते हो, देसी घी में भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। अब तेल को गर्म होने देते हैं। यहाँ पर देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से पकने देते हैं और साथ में हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे, ताकि ये भी तेल में अपना फ्लेवर छोड़ सके। अब इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मिर्ची को भून लेते हैं। यहाँ पर मिर्ची और जीरा अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता और इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तब तक हम टमाटर काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राजमा को अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है। प्रेशर कुकर को हमने खोल लिया था, क्योंकि इसकी स्टीम निकल चुकी थी। राजमा अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और दूसरी तरफ हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्याज भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब 1 मिनट तक और पका लेते हैं, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बच्चों को यह रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगती है, उनको तो रोज़ दे दो, उनको खाना पसंद है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब प्याज अच्छे से पक चुका है, अब टमाटर डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम टमाटर भी डाल देते हैं और टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर पकाना है। तब तक पकाएंगे जब तक इसका पेस्ट की फॉर्म में ना आ जाए। टमाटर को अच्छे से पकने देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे, ताकि टमाटर अच्छे से जल्दी से पक जाए। नमक हमने वैसे भी बॉईल करते समय डाला था, अब इसको अच्छे से पकने देते हैं। तो देखिए, टमाटर और प्याज अच्छे से पक चुके हैं। प्याज अच्छे पेस्ट की फॉर्म में आ चुका है और टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुका है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, यहाँ पर हम थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च का यूज़ करेंगे, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, दिखने में अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैं राजमा मसाला ले रही हूँ, छोटे 2 चम्मच।
अब इसमें हम एक्स्ट्रा कोई भी मसाले का यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें राजमा का जो हमने बॉईल करके रखे थे उसका पानी डाल देंगे और मसालों को अच्छे से पकने देंगे। पानी हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि मसाले सड़े ना। अब इसको 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। 1 मिनट मसाले अच्छे से टमाटर और प्याज में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अपना फ्लेवर छोड़ चुके हैं। अब जो हमने राजमा बॉईल करके रखे थे वो पानी में ही डालेंगे और राजमा और को अच्छे से मसालों में पकने देंगे 5 मिनट तक। आंच को धीमी कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर पकने देंगे ताकि मसाले अच्छे से राजमा में फ्लेवर छोड़ सके और इसका टेस्ट अच्छे से बन जाए। यहाँ पर राजमा को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, मसाले अच्छे से राजमा में मिक्स हो चुके हैं। देखिए कितने दिखने में कितने यम्मी लगते हैं और टेस्टी भी बने हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। चावल के साथ, रोटी के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। ये सिंपल रेसिपी है, घर के मसाले जो सिंपल मसाले होते हैं उनमें ही हमने इसको रेडी किया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।